मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में ताजुल मस्जिद के कमेटी भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मंत्री आरिफ अकील की मांग पर इमाम के वेतन बढ़ाने का भी ऐलान किया। इसी के साथ उन्होंने अमन शांति और भाईचारे का संदेश भी दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ ताजुल मस्जिद के समीप मध्य प्रदेश मस्जिद कमेटी के नए भवन का लोकार्पण करने पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री आरिफ अकील ने कमलनाथ से मस्जिदों के इमामों का वेतन बढ़ाने की मांग की। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये मामला पूरा होगा। मैंने नोटिस पहले भी भेजी है, आज भी उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। 43,54,000 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। 4,534 मस्जिदें हैं, इसमें जो इमाम और मौजिन उनको तनख्वाह देने के लिए ये मसाजिद कमेटी 3 जिलों के लोगों को तनख्वाह देती है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ ग्रांट में इजाफा किया, जिससे यहाँ के लोगों की तनख्वाह बढ़ गई। आज ये बिल्डिंग का इफ्तिताह करने के लिए भी आप तशरीफ लाए, उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि ये दरख्वास्त मैंने पूरे मध्य प्रदेश के इमाम और मौजिनों के लिए दी है, इसको आप पूरा करेंगे और मैं उनकी दुआएं लेंगे, मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, इसके जरिए हम जरूरतमंद लोगों की मदद करके अपने धर्म द्वारा दिए गए संदेश का पालन करते हैं। वहीं उन्होंने आरिफ अकील द्वारा प्रस्तावित इमाम के वेतन को 2200 से बढ़ाकर 5000 एवं मुइज्जन के वेतन को 1900 से बढ़ाकर 4500 रुपए करने पर सहमति प्रदान की। कहा हुआ है कि मैं घोषणा नहीं करता, घोषणा करने वाले तो 15 साल रहे, तो मैंने कहा सबका पेट भर गया मध्य प्रदेश में घोषणाओं से, तो मध्य प्रदेश के लोगों से मैं घोषणाओं से बचाऊं। जब कार्य हो जाता है, जब दिखने लग जाता है, तब तालियां बजाइए, घोषणा में ही तालियां बज जाती है, ये अजीब बात है, तो ये परंपरा मैं नहीं चाहता। सीएम कमलनाथ ने कहा कि हमारा देश भारत और हमारी संस्कृति इसलिए महान है क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की भावना के साथ एकजुट होकर रहने की विशेषता है। अपने देश की संस्कृति भाईचारे की संस्कृति है, यही अपने देश की संस्कृति है। हजारों साल पहले से आप इतिहास गिनिए, चंद्रगुप्त अशोका चलते जाइए, क्या संस्कृति, ये हमारी जो सभ्यता है ये भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारी विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न रस्म, विभिन्न त्योहार, हमारी धोती और पजामा भी लुंगी बन जाती है जब हम दक्षिण जाते हैं। हमारे महिलाओं की साड़ी पहनने का तरीका बदल जाता है जब दक्षिण जाते हैं, सही बात है ना। तो ये कई विभिन्नता ऐसी है, ये अनेकता कहीं है इस पूरे विश्व में, और यही भारत की मानता है। भोपाल जिले के प्रभारी एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मस्जिद कमेटी सेवा के क्षेत्र में एक अनुकरणीय संस्था है जो समाज के गरीब वर्गों की मदद और उन्हें संबल प्रदान करती है। तो यहाँ के आप सबके जनप्रति अरे भाई कोई ना कोई योजना नए नए काम बताते हैं। अभी तक पिछले एक वर्ष में कई कार्यक्रमों से हमें ले गए, हर जगह कुछ नया रूप दिखा, और इसका प्रमाण है कि आपके लिए रात दिन लगे रहते हैं और आपकी चिंता आपके कार्यों के लिए चिंतित है और नए नए आयोग प्रयोग करते रहते हैं। और यही बात है कि लगातार इतने वर्षों से आप लोगों का इसलिए प्राय रहने मिल रहा है। मैं ऊपर से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि इसी प्रकार से आपके सेवा में लगे रहें। भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश के जननेता आर्य भाई के विकास कार्यों के भोपाल से झड़ी लगी हुई है। उन्होंने जो मस्जिद कमेटी है इसमें अपनी सेवा के माध्यम से सैकड़ों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर भोपाल ही नहीं समूचे प्रदेश और देश को दिशा दी है। आज मैंने प्रसन्नता की बात है कि आज बच्चों से ज़्यादा बच्चियों ने आज अपनी प्रतिभा का प्रमाणित की, प्रतिभा सिद्ध की है और उनको ही करीब 90% जो पुरस्कार मिले हैं बच्चियों को मिले हैं। आर्य भाई के नेतृत्व में जो भव्य भवन बना है और ये भवन इन्होंने अपनी स्वयं की मेहनत अपने विधायक फंड से बनाया है,
इसका खूबसूरत भवन में बैठकर बच्चे और हमारे काजी साहब जो भी संदेश प्रदेश को देश के विकास के लिए देंगे वो पूरे आम जन तक पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मसाजिद कमेटी द्वारा जरूरतमंद बालिकाओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का वितरण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।